नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना भाई अनुराग नेहरा। साथियों, आज लैब टेक्नीशियन व सहायक रेडियोग्राफर वैकेंसी की अंतिम चयन सूची फाइनली जारी हो गई है। कल किसी कारण से वो जारी नहीं हो पाई थी, लेकिन आपने धैर्य रखा और आज अपन को लिस्ट भी मिल गई और भाइयों का सिलेक्शन भी हो गया जिन्होंने 2022 से लेकर के लगातार अब तक जिन्होंने साथ दिया। आज अपना जो संघर्ष था वो एक मुकाम तक पहुंचा है और पैरामेडिकल की 5 जो वैकेंसियां थी, ECG, नेत्र सहायक, डेंटल टेक्नीशियन, LT और ARG, 5 वैकेंसियों की 3 को ज्वाइनिंग मिल चुकी है और 2 वैकेंसियों को आज अंतिम चयन सूची जारी हो गई है। साथियों, आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरे छोटे बड़े भाई जितने भी हैं उन सब का आज सिलेक्शन हो गया और जिन भाइयों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है किसी कारण से, हो सकता है मेरिट में नहीं आए, आप धैर्य रखें, अपना भी अच्छा दिन आएगा, आपका भी सिलेक्शन होगा, अपन सब लोग मिलकर के आगे लड़ाई जारी रखेंगे, लड़ते रहेंगे, दूसरी वैकेंसी भी निकलवाएंगे। और जिनका आज होल्ड पे रखा है किसी कारण से, उन भाइयों को घबराना नहीं है। साथियों, मैं पहले भी आपके साथ में था, आज भी आपके साथ में हूं कि जल्दी आपके लिए भी एक दूसरा वे निकालेंगे और सरकार से मिलेंगे, सरकार के अधिकारियों से मिलेंगे और जिन भाइयों का होल्ड पे रखा गया उनका भी सॉल्यूशन करवा के और जल्दी उनको भी साथ में प्रयास करेंगे कि उनको भी साथ में ज्वाइनिंग हो जाए। और LT और ARG के जो मेरे भाई हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसको जल्दी से जल्दी बनवाना स्टार्ट कर दें, ताकि जैसे ही ज्वाइनिंग का टाइम आए आप तुरंत जाकर के ज्वाइन कर लें, क्योंकि लेटर जो ज्वाइनिंग करते टाइम आपको जरूरत पड़ेगी पुलिस वेरिफिकेशन की, जो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं और वो वैलिड होगा। और मैंने सरकार के अधिकारी, आला कमान के अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई है कि जो 29 जून को आप कई 7,000 पत्र बांटने जा रहे हो नियुक्ति पत्र, उनमें मेरे लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर वैकेंसी के भाइयों को ऐड करें और उनको भी 29 जून को ज्वाइनिंग देने का काम करें। इसलिए साथियों, सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी ही आप सबके साथ में मैं एक बहुत मतलब कि दिल से एक प्रोग्राम में शामिल होऊंगा जिसमें आप सबको मेरा निमंत्रण रहेगा। जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका नहीं हुआ है उनके साथ में मिलजुल करके लड़ाई जारी रहेगी। नमस्कार साथियों। और साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि ANM और फार्मासिस्ट और जो नर्सिंग ऑफिसर के मेरे भाई हैं वो घबराएं नहीं, आपके लिए भी बहुत जल्दी अच्छा होगा। जगह जगह आपके भाई जो अपने सहयोगी हैं, जो धरने प्रदर्शन में साथ में थे, वैकेंसी आ रही तब से साथ में थे, हम सब लोग मिलकर के आपके लिए, सबके लिए कि जो बाकी वैकेंसियां वो भी पूरी हो, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। फार्मासिस्ट का भी कुछ ही दिनों बाद में उनका प्रोविजन लिस्ट आ जाएगी और ANM का थोड़ा सा काम बचा हुआ उनका काम हो जाएगा और उसके बाद में नर्सिंग ऑफिसर का है, उनका सत्यापन का लेटर आ ही गया है, उनका काम हो जाएगा। तो धैर्य रखो, सारा काम अच्छा होगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद।